चौधरी साहब, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। और आपके इस नए गेटअप के अंदर जिसके अंदर आप पुष्पा के मामू लग रहे हैं, मगर एक चीज है कि चौधरी साहब आज यंग लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये पुष्पा कौन है? कामल का मतलब दासी दियो। लास्ट ईयर की जो आइकॉनिक इंडिया से फिल्में निकली थी उसमें एक पुष्पा थी और बड़ा आइकॉनिक स्टार है उनका। वो लुक मुझे एकदम आपको देख के याद में, और ये आप एकदम यंग लगना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये आपका कहते हैं हुस्न नजर है। और वैसे भी मेरा आने का मकसद भी ये था कि माशाल्लाह आप नए नए यहाँ पे तशरीफ लेके आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद, बहुत बहुत, और आपके लिए दुआ भी कि अल्लाह ताला आपको पहले की तरह कामयाबियां जो हैं वो समेटते जाएं। और जहां तक मेरे स्मार्ट होने की बात है, तो वो चूंकि आप दोस्तों में से हैं, लोगों ने तो जहर लगने हैं। हाँ, को बच्चा जितना मर्जी मोटा हो जाए, ताज़ा हो जाए, कहें ये मेरा पुत्र कमज़ोर हो गया है। हाँ। तो हमारा जो है ना वो एक मिशन है, वो ये है, परेशानियों में लोगों की मदद करें, उनकी परेशानियों को ख़त्म करें। और आप किसी तंग दस्त के काम आए तो आपके लिए आसानी दुनिया में मिलेगी। अगर आप किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालें तो अल्लाह ताला आपके ऐबों के ऊपर पर्दा डालता है। तो हमारा तो ये मिशन है, उसके ऊपर लगे हुए हैं। वाली बात जो है, लगता है आपने नैब वालों को सोच कर की है इस वक्त। नहीं देखें, वो जो कहते थे नवाज शरीफ दवाई लेने गया वापस नहीं आया, वो इन्होंने टीका ला के वापस आ रहे हैं। और वो जो मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो वो उसका भी जवाब अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि उनको नजायज निकाला था, कामा झूठा था और नजायज हुआ था अल्लाह के फजल से। अब आ रहे हैं वापस, उन्होंने तो अपना भुगत के सुई के उस नक्के से वो गुजर के अपने आप को वापस लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हर कोई उस नक्के से गुजरे। लेकिन सर, मैं एक गल कहूँगा, मियाँ साहब साड़ी जान है, मियाँ नवाशी साहब, और उन्होंने जरूरत इतने, और मैं तुम अच्छ कहना कि मियाँ साहब इतने आ जाए और इंशाल्लाह साड़ा वजीर आजम जवाद अहमद ही होएगा। लेकिन बात सुनो, बात सुनो, यहाँ पे एक अच्छा एक मैसेज है जो मैं चाहूँगा कि वो चला जाए। एक बात तो क्लियर हो गई, अपनों में भी बेगानों में भी हर बंदे में, कि मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ को माइनस करें तो पीछे कुछ नहीं बचता। हाँ। और ना पाकिस्तान के खाते में बचता कुछ। और सबको आपने आजमा के देख लिया, पहले भी वो खिदमत कर रहा था और सबसे बेहतर था। हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता कि जी नवाज शरीफ में कोई बिल्कुल खामी नहीं है, इंसान है, खामियाँ होती हैं, लेकिन बाकियों में जितने लोग लाइन में हैं सबसे अच्छा है और इंशाल्लाह परफॉर्म कर रहा था और करेगा भी। सही, बिल्कुल डन हो गया। मुझे सब कुछ छोड़े, ये बताएं कि आपने 21 अक्टूबर के लिए सूट सिलवाया नया कि नहीं? मैंने 100% सिलवाया और इंशाल्लाह ताला ग्रीन कलर का सिलवाया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दुनिया जो है वो अपने कायद के लिए, महबूब लीडर के लिए बाहर आएगी, उनका इस्तकबाल करेगी, एंड ही डिजर्व्स। लेकिन सर, उन्होंने ग्रीन कलर का सूट सवाया, फिर 21 अक्टूबर ने 14 अगस्त को आ रहे थे। यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये बताएं कि ये जो आपने लुक चेंज की है अपनी, ये क्या खुद से ख्याल आया, किसी की फरमाइश थी? नहीं, वो क्या कहते हैं कि उसने बुरका पहन लिया और हमने भी दाढ़ी रख ली। तो ये जो बुरका है वो किसने पहना? ये जो बात है ना कि नहीं, मगर ये कुछ है इसके पीछे? नहीं, कुछ नहीं है मासूम, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं घर भी जाना है। नहीं, वैसे आप सब छोड़े, आपकी और मेरा तो मजाक आपस में चलता है ना, आप बताएं, आपका तो यू नो इतना ताल्लुक है फैशन से। आप जरा एक नजर डालिए और देखिए जो लुक पूरी क्रिएट की हुई है चौधरी साहब ने आज, क्या कहती हैं इसके बारे में आप? मुझे अच्छी लगी, अच्छी लग रही है आपको, है ना? ये जो मैचिंग देखी उन्होंने जो की है, और जो उन्होंने जो सलवार कमीज के साथ जो वेस्ट कोट है, और उसके बाद आप देखिए कि जो नीचे जूते, वाह वाह वाह, ये तो मेरी अभी नजर पड़ी है सर, जूते किसके हैं? मैं 31 साल तक जो है ना वो बाहर रहा हूँ। जी जी, तो मैं आपको कह रहा हूँ सबको कि आप अंदर रहे हैं, मगर सादा वीरिंग जो है ना वही होती है सर, लेकिन यहाँ पे लोगों को आके देख के आए जी फलाना ब्रांड है, फलाना ब्रांड है, सानू भी पाना पै गया। अच्छा, नहीं तो ये तो ब्रांड है। जी जी, ब्रांडेड पहने हुए। अच्छा, आपको करीब से नजर आ रहे, कौन सा ब्रांड है? एलवी। अच्छा अच्छा, ऐ लोग ही लोगों को खराब कर देने। मेरा पुत्र खराब नहीं होना, सादा जिंदगी गुजारो। पहले आपने हुए खराब, मैं कर रहा हूं। ये बताएं सर, एलवी आपने पहना हुआ है, आपको पता है इस ब्रांड के बारे में? नहीं, मैंने नहीं पता। तो फिर आपने लिया क्यों? ऐना ही है, बस किसी आप जैसे दोस्त ने तोहफा दे दी। तुसी फिर बूट सानू देके छड़ दे दी। आप तो ऐसा बता रहे जूते सर, छोड़े जूतों के अलावा आज बात ही नहीं होगी जूतों। मैं तो आपको पता है, लोगों में से वो जो जूते दे भी जाऊंगा, कोई मुश्किल तो सर मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा चले, जूतों को छोड़े सर, एलवी आप छोड़े, एलवी जो भी ब्रांड होगा हमें उससे क्या, आपने चाहे इंग्लैंड से लियो, दुबई से लियो, लाहौर से लियो, हमें उससे क्या, ठीक है। मगर हिना जरा ये नजर डालिएगा, घड़ी भी बड़ी मैचिंग पहनी हुई, ये कौन सी है? ये जो है ना बंदा बहुत गलत आदमी है।
पिछली दफा मेरी घड़ी चोरी करवाई थी, मैं यहाँ आया इनके पास और कहा कि जी कौन सी, मैंने शरीफ आदमी ने बता दिया कौन सी है, और ठीक है जी, और उसके हफ्ते के बाद चोरी हो गई। मगर वैसे नहीं इन्हें करवाई है या उस खबर ने, मगर वैसे देखे वो देख रही है रोलेक्स है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने आज सूट इसीलिए पहना था क्योंकि आप नॉर्मली सूट्स में आते हैं, ये तो आज आपने ज्यादती की है। वो मुझे अभी जो पुराने सूट है ना वो मुझे फिट ही नहीं आते। मैंने कहा चलो पता नहीं ये इन्होंने नजरों के में कह रहे हैं कि मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मेरे तो कपड़े सारे छोटे हो गए हैं। बहुत भी अच्छे लग रहे, लेकिन उच्च तुसी हीरो टाइप लग रहे हैं। क्या बात हुई, चलो दोबारा बुलाओगे तो फिर वो पा गया। मगर चॉइस साहब क्या मतलब आपकी तो सूट्स की इतनी जबरदस्त कलेक्शन, वो कहां गई सारी? है सारी है बिल्कुल। तुसी इंज करो 2 मिनट दी ब्रेक लाओ पा के आओ। कपड़ों की बजाय अगर हम इंसानों की कदर करना सीख जाएं तो फिर क्या ही बात, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप अपने सूट को ना बीच में से निकालें, वो कौन सा जूते वो देखे, जूते और वॉच भी, एलवी से रोलेक्स तक का सफर, क्या बात है। मुझे अभी नोट किया ये पेन किस कंपनी का, नाम तो बता दे ब्रांड का। जो कुछ मेरे को आया ना मैं सारा ला के आ गया। नहीं मगर बड़ा जबरदस्त पेन है सर, ये कोई नाम दिखाई दे निकाल के, इसका सिर्फ नीचे कुछ नहीं है, अच्छा ऊपर भी है। ए गिफ्ट है जी तानू मो ब्लैंक सर। ओए होए चोई साहब, अब आप लोगों को कौन सी वाली बातें याद रहेंगी, आपने कसम खा के बतानी है जो इन्होंने पहले की थी या फिर एलवी रोलेक्स और मो ब्लैंक। देखिए मैं 31 साल के बाद 31 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। अरे तो यही यार ऐना तो मेरा हक बन रहा है कि मैं अपने वास से अपनी जेब के बीचों, मैंने किसी की जेब से तो नहीं लिया ना। बात ये कि ये वाली जो स्टोरी है, सॉरी ये वाली स्टोरी जो, ये भी तो बताए ना बच्चों को, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। देखे यंगस्टर्स है, देखे मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बल्कि होनी चाहिए है ना। देखे मुझे जब ये कहा गया कि आपने अपने हलका के लिए कहाँ दुबई, सऊदी अरब, कतर और कहाँ आसानियाँ, आराम, आसाइश, रुपया पैसा, शोहरत, सब कुछ। और कायद नवाशी ने मुझे कहा चौधरी साहब आपने भावनगर से इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने अल्लाह जानता है 1 मिनट नहीं लगाया सोचते हुए, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ताला लड़ूंगा। पैसा कुछ नहीं होता, पैसों के साथ साथ शख्सियत, आपकी ईमानदारी, आपका जो इस्तकामत है वो होती है। क्या आपको लगता है पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरी इस बात पर लोगों से बहस ही होती रहती है। नहीं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आजकल के टाइम पे जहाँ पे हर बंदा सर्वाइवल मोड में है, हम कैसे कह सकते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट? पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ना? ये देखे वो भी एग्री कर रहे हैं, वो बीच में हैरान हुई थी, आपने को जुमला बोला है सर, पैसे पैसे कोई मैटर नहीं करता, मैंने कहा है।